अब देखिए क्या है, अगर हमें रूल बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह रखना है आपको कैन, मेन वर्ब की जगह हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब की जगह अदर वर्ब, क्या किया सब्जेक्ट की जगह, बोलना है सब्जेक्ट की जगह, हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह अदर वर्ब की जगह अदर वर्ब। नाउ कम टू द सेंटेंस, सेंटेंस है हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। तो पहले हमें किसका यूज कर रहा है, सब्जेक्ट का, हम लोग का क्या हो जाएगा, बी, फिर किसका यूज कर रहा है, कैन, काम क्या हो रहा है, बोलने का, इसके लिए क्या होता है, बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंग्लिश। तो अगर हमें सेंटेंस बोलना है कि हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वी कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश, राइट। चलिए इतने ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, नाच सकता हूँ, आई कैन डांस, देख सकता हूँ, आई कैन सी, पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, बोल सकता हूँ, आई कैन सी, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन सी, इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन सी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तुम्हें पता होना चाहिए, यू शुड नो, यू शुड नो, तुम्हें पता होना चाहिए, यू शुड नो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, आई कैन गो, मैं आज जा सकता हूँ, आई कैन गो, क्या आप जानते हैं, जो यू नो क्या आप जानते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, आप पढ़ा सकते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकती है, ये लोग पढ़ा सकते हैं, हम लोग पढ़ा सकते हैं, खेल सकता हूँ, खेल सकते हो, खेल सकता हूँ, खेल सकती है, ये लोग खेल सकते हैं, हम लोग खेल सकते हैं, स्कूल जा सकता हूँ, स्कूल। अब अगर हमें किसी भी सेंटेंस को सिक्स फॉर्म में चेंज करना हो तो